एमएस धोनी और एमसी स्टैन का मैंने मिनी फोन चुरा लिया। अरे ये नहीं, ये हाँ ये है एक स्मार्ट वॉच, लेकिन काम आपके एंड्रॉइड फोन से बिल्कुल भी कत्ता ही कम नहीं करती। और जब से एमएस धोनी ने इसका ऐड किया है भाई, इसकी लहर मार्केट में किसी सुनामी से कम नहीं है। फिर क्या था, ये लहर हम तक आई और हमने मंगा ली है फायर बोल्ट की ड्रीम स्मार्ट वॉच, जिसमें 4G LTE वाईफाई सिम भी डलती है, गेम्स भी खेल सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, नेविगेशन भी लगता है। इतना सब कुछ क्या सच में करती है या फिर पैसा बर्बाद करती है? चलिए देख लिया जाए। हमने ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर रखा है, पिछले 3-4 दिनों से यूज भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ मिलता है, एक वार्निंग कार्ड, फायरबोल्ट का एक लंबा सा यूजर मैनुअल कि भाई ऐसे इस घड़ी को आपको मैनेज करना है, ये एक वारंटी कार्ड एंड ये एक फ्री बुक माय शो का वाउचर एंड ये मैग्नेटिक चार्जर है इसके अंदर। ओके, वार्निंग कुछ ऐसी है कि भाई इसमें आपको 3.7 या फिर 5 वोल्ट का मैक्सिमम अडेप्टर यूज करना है, उसके अलावा ऊपर नहीं जाना है वरना तुम वॉच को फाड़ दोगे। और इससे दिख भी रहा है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है। तो सब कुछ साइड कर, ये पहले ही ले गए क्या? सीधा वॉच पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा पतला और मैं कर दूं, एक पन्नी और चढ़ी हुई है। ये स्ट्रैप जो है वो बॉक्स में ऐसा लग रहा था लेदर का स्ट्रैप है, लेकिन बाहर निकालते लेदर का लेदर है, वो स्ट्रैप का स्ट्रैप हो गया, बट ये एक रबर का स्ट्रैप है। लेकिन ये इसकी क्वालिटी मस्त है यार, और ये जो स्टिचिंग की हुई है जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रीमियम भी लग रहा है। ये वॉच एक स्क्वायर शेप की है और बिल्कुल एप्पल की कॉपी करने की कोशिश की गई है। ये साइड में क्राउन है, उसके नीचे बटन है, या फिर स्क्वायर शेप का डायल, पूरा का पूरा एप्पल की कॉपी है। लेकिन जो डिस्प्ले है वो IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन उठी हुई होने की वजह से ना थोड़ी सी एमुलेट वाली वाइब जरूर देती है, लेकिन जैसे ये जल के आपके सामने आएगी आपको पता चल जाएगा भाई कलर एकदम धुले हुए हैं। और पीछे की साइड फायरबोल्ट की ब्रांडिंग, यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स हैं जिनको हम आगे टेस्ट करेंगे कि सच में काम करते हैं कि सिर्फ ऐसे लाइट जलाने के लिए रखे हुए हैं। और नीचे की तरफ ये चार्जिंग पिन, राइट साइड में क्राउन, उसके नीचे स्पीकर ग्रिल है और उसके नीचे है एक बटन, लेफ्ट साइड में है सिम स्लॉट जिसको किसी भी सिम इंजेक्टर पिन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ऐसे खोलो और सिम डालो। लेकिन भाई कहीं तो मजबूती है, ये जो फ्रेम है वो पूरी की पूरी एल्यूमिनियम की है जिसकी वजह से काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में। ये क्राउन मल्टीफंक्शनल है, अगर आप इसको थोड़ी देर दबा के रखोगे तो ये वॉल्यूम बटन का काम करने लग जाएगा, अप एंड डाउन आप इससे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, या फिर सिंपली इसको स्क्रॉल करोगे तो ये अपने वॉइस फेसेस चेंज करता रहेगा। और अगर आप किसी एप्लीकेशन में घुसे हुए हो, आपको बैक आना है, तो ये बैक बटन का काम भी करता है। सबसे पहले तो जियो की सिम ही डाल देता हूं। इसके अंदर IP67 रेटिंग है, लेकिन प्रोटेक्शन है वो तो भाई ऐसे बाहर निकल के आ रहे हैं, पता नहीं ये प्रोटेक्शन निकल रही है या IP रेटिंग निकल रही है। इसके अंदर एक डायल मार्केट ऐप है जिसमें आप बहुत सारे वॉइस फेसेस डाउनलोड कर सकते हो और अलग अलग दिन अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के साथ भाई मजे उड़ा सकते हो। ये एक 2.02 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले है जिसके कलर्स ऐसे ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा आपको ओवर भी नहीं लगेंगे और बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं लगेंगे। मतलब जो बजट वॉचेस आती है ना जैसे 2000 रुपए के लगभग वैसी डिस्प्ले है, क्योंकि 3-3.5 हजार रुपए में एमोलेड आने लग जाती है। और इसके अंदर हमने यूट्यूब वीडियो तक देखी है, ये 1080p रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है, मतलब सच में आप इसमें यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। और जो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है वो है इसकी ब्राइटनेस, 600 मैक्स निट्स आती है जो इंडोर्स में आपको बहुत अच्छे से दिखा देगी, लेकिन आउटडोर में जाते ही एकदम भाई ये धूमिल हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और ये 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, लेकिन ये इतना ज्यादा फील भी नहीं होता है, मतलब लाइक लैग्स हैं इसके अंदर। और डिस्प्ले छोटी होने की वजह से या फिर इसकी क्वालिटी की वजह से टच इसके इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि जब आप टाइप करने जाते हो इसके अंदर जो क्वार्टी कीबोर्ड है उसमें दबाते कुछ और दब जाता कुछ और है। अब स्मार्ट वॉच का मेन फायदा होता है स्वास्थ्य के लिए, तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे तो सेंसर्स लगे हुए हैं सच में काम करते हैं या फिर नहीं। एक साइड में एप्पल वॉच अल्ट्रा को ले लिया है जो ऑलमोस्ट जिसकी रीडिंग होती है बिल्कुल एक्यूरेट ही आती है, तो साइड बाय साइड पहले हार्ट रेट टेस्ट करेंगे। 85, 86, 84, 73, 73, ये बिल्कुल सेम है। अब थोड़ा सा दौड़ के हार्ट रेट को बढ़ाते हैं और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये लोग ना ऐसे फिक्स रखते हैं कि हाँ यार 75-80 के बीच में रख देने का तो सबको लगता है कि हाँ नॉर्मल है। अभी मेरी हार्ट रेट ना कम से कम भी 125-130 के लगभग होगी, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें 76 ही आ रहा है इतनी सारी एक्टिविटीज करने के बाद भी। जिस तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि इतनी कमाल की 6000 रुपए देख के भी एक स्मार्ट वॉच नहीं मिली, तो फिर फायदा क्या है भाई। और इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो अगर आप इस क्राउन को और नीचे वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ ही में आप इसमें UPI भी चला सकते हो। हाँ, स्कैन नहीं कर पाओगे लेकिन नंबर डाल के डेफिनेटली पेमेंट कर सकते हो, साथ ही में गूगल मैप भी है इसमें, जैसे मुझे जाना है अयोध्या, बिल्कुल जैसे मोबाइल में लगता है वैसे का वैसा इसके अंदर मैप लग चुका है कि भाई 9 घंटे लगने वाले हैं, 671 किलोमीटर है एंड डन। और अब कॉलिंग टेस्ट। हेलो प्रशांत, कैसा है? अच्छा, मैं करवाता हूँ। आवाज क्लियर आ रही है कि तेरे को एकदम बढ़िया? बढ़िया आ रही है,
आपने बढ़िया बोला तो बढ़िया ही सुनाई दे रहा है। कॉलिंग के अंदर मेरे को आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी लेकिन सामने वाले को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, तो हाँ इसमें पूरे मार्क्स। अरे मैं टेम्पल रन खेलने गया था, देख इसको तो दोबारा खेलता हूँ, कूद गया भाई, टच काम ही नहीं कर रहा। और जब भी आप आउट हो जाओगे तो आपको मिलेगा एक एड, और एंड्रॉइड सिस्टम के साथ यूज करने के लिए इसके अंदर क्वाड कोर सीपीयू भी दिया गया है। इवन इससे आप जोमेटो ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर भी कर सकते हो, स्विगी वगैरह डालो इसमें, एक हाथ में ऑर्डर भाई सीधा खाना खत्म। अब इसमें बोल रहे हैं कि बीजीएमआई खेल सकते हो, जब इसमें टेम्पल रन नहीं खेल पा रहे तो भाई बीजीएमआई कैसे खेलेंगे। बीजीएमआई मैं ओपन कर लेता हूं आपके सामने, पहले तो खुलते खुलते ही आपको लगेगा कि भाई खेल लिया आज का हो गया, तो टाइम लगाने वाला है। पिछले एक मिनट से खड़े हुए हैं भाई, वो क्राफ्टन भी अटका पड़ा है। अरे गेम स्टार्ट हो गया, इधर चालू ही नहीं हुआ, क्या है ये? ओह यस, ओ बंदा मार दिया भाई। इसके टच वगैरह अच्छे से काम नहीं करते ना, जिसकी वजह से खेल नहीं पा रहे भाई। गेमिंग भाई बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, 1% भी प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी इसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल एक एंड्रॉइड फोन जैसा है, जैसे आपको 5-6 हज़ार रुपए के एंड्रॉइड फोन में मिलता है। ऊपर की तरफ से आप स्क्रॉल करोगे तो बढ़िया आपको सारा नोटिफिकेशन बार मिल जाएगा। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो है फायर ओएस, ये एंड्रॉइड 8 पे बेस्ड आती है। इसके अंदर ऑल्दो आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, आप आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे, बहुत हैवी गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑल्दो उसको खेल नहीं पाओगे अलग चीज है, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज भी कम आते हैं जिसकी वजह से आप लिमिटेड चीजें ही कर सकते हो। 16 GB की स्टोरेज है और 2 GB की रैम, और इसके अंदर एक 800 mAh की बैटरी है। अगर आप सारी चीजें यूज कर रहे हो, जैसे इसमें वाईफाई चला लिया या फिर सिम डली हुई है आपकी, 4G कनेक्टिविटी है, और आपने एक दो टास्क कर लिए, तो आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक मैक्स जाएगी, उससे ज्यादा जाने ही नहीं वाली। और अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे, एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच की तरह यूज कर रहे हो, तो आपको 1 दिन तक कंपनी क्लेम करती है, और इसको फुल चार्ज होने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, इसको आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। ऑल्दो ये इसकी वेबसाइट पे 6,300 रुपए की मिल रही है, और उस प्राइसेज में बिल्कुल भी वर्थ नहीं रखती है। ऑलमोस्ट 4,000 रुपए की 5,000 की वॉचेज में बहुत ही कमाल की डिस्प्ले जाती है। इसका जो हाईलाइट पॉइंट है वो है इसके अंदर सिम डलती है, और आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, वो एंड्रॉइड वाला एक प्रोस्पेक्टिव आप लेके चल सकते हो। लेकिन अगर इसकी 4,000 रुपए प्राइस होती तो भाई ये क्या ही कमाल की चीज होती। एक डिस्प्ले जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं वो ही अच्छी नहीं है, वो IPS LCD है, तो कैसे 6,000 रुपए दिए जाए। साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट ये 6,000 रुपए को वर्थ रखती है, लेकिन इसकी जो ब्रांड वैल्यू है अगेन फायरबोल्ट, वो भी इतना अच्छा नहीं है कि उसके लिए 6,000 रुपए देके आप लोगों को दिखाते घूमो कि देखो मैंने कमाल स्मार्ट वॉच पहनी है। तो अगर आपको कोई अल्टरनेट चाहिए है, आप UPI वगैरह, या फिर आपको थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक सी चीज चाहिए कि हाँ यार कभी ना कभी तो मैं यूज कर ही लूंगा, तो उसके लिए ठीक है, वरना अगर आप सोचते हो कि एक स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्री वीडियो यहीं पे खत्म जाती है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।